हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली गाइस। मेरी तरफ से आई विश कि आपकी होली बहुत ही अच्छी रहे, बहुत ही कलरफुल रहे, बहुत ही एक्साइटिंग रहे। सो हैप्पी होली यू गाइस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पास लाइक ऑलमोस्ट 2 मंथ से मैं फ्री हैंडली बहुत ही ज़्यादा ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड जिससे मेरी ड्रॉइंग में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। आई डोंट नो वो आपको लोगों को समझ में आ जाएगा या नहीं, बट एज एन आर्टिस्ट जो मुझे लगता है कि मेरी ड्राइंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। पहले मैं लाइव पोर्ट्रेट ड्रॉ नहीं कर पाता था किसी को देख के, अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ ऑलमोस्ट, मैं ड्रॉ भी कर लेता हूँ, उतना एक्यूरेट नहीं ड्रॉ कर पाता, लेकिन आई एम हैप्पी विद दैट क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट ही किया है और मैं ड्रॉ कर पाता हूँ तो मुझे वो सही लगता है। बिकॉज मेरे को हमेशा से यही लगता था, मेरे लाइक जब मैंने ड्रॉइंग करना स्टार्ट किया था मेरा एम यही था कि मैं अगर किसी को देख के ड्रॉ कर पा रहा हूँ एक्यूरेटली, सो लाइक दैट्स अ गुड साइन फॉर मी। तो मैं वही चाहता था हमेशा से कि मेरे को लाइव पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है। सो अभी मुझे उससे फ्री हैंड ड्रॉ करने का मुझे उसमें काफ़ी फ़ायदा मिला है। सो मेरे पास कुछ टिप्स हैं फ्री हैंड ड्रॉइंग पे, लाइक जो आपको शायद हेल्पफुल लग सकती है जो फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं या जो ड्रॉ करना स्टार्ट करना चाहते हैं या जिन्हें अभी प्रॉब्लम आ रही है। तो आई हैव सर्टन टिप्स जो आपको शायद हेल्पफुल लग सके। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा गाइस, आपको कोई फ्री हैंड ड्रॉ करना सिखा नहीं सकता, इट्स ऑल अप टू यू। बिकॉज क्योंकि फ्री हैंड आपको खुद को ही ड्रॉ करना है जिसमें आपको कुछ मेजरमेंट नहीं करना है, तो आपकी आईज ही है जो आपको गाइड कर सकती है और आपके सेंस जो हैं वही आपको गाइड कर सकते हैं। बट हाँ, सर्टन टिप्स हैं जो आप उसको फॉलो करें तो शायद आपको वो हेल्पफुल मिले, या जितना टाइम मैंने वेस्ट किया आप उतना टाइम नहीं वेस्ट करें या आपको कुछ फ़ायदा मिल जाए, तो मैं उन्हीं टिप्स पर बात करूँगा। तो पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है कि हैव पेशेंस गाइस। लाइक अगर आप फ्री हैंड ही ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको एकदम पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, बिकॉज वैसे अगर आप फ्री हैंड को भी रश में ड्रॉ करेंगे तो इसके बहुत चांसेस है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ मेजरमेंट करने का कोई तरीका नहीं है। लाइक कुछ लोग हैं जो फ्री हैंड ड्रॉ करने में भी स्केल यूज़ करते हैं, कुछ अदर गाइडेंस के मेथड यूज़ करते हैं, बट मैं उनको उतना फॉलो नहीं करता क्योंकि मुझे लाइव पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है इन फ्यूचर, तो उसका मैं यूज़ नहीं कर सकता ज़्यादा इन लाइक एवरी टाइम। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि पेशेंस रखिए और धीरे धीरे ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। जो सेकंड टिप है जो मुझे बहुत हेल्प की जिसने मुझे, वो है कि अगर आप कुछ फेस ड्रॉ करना कर रहे हैं तो ऐसा आप डिफाइन कर सकते हैं कि एक फेस में एक स्ट्रेट लाइन्स आएंगी एंड कर्व्स आएगी। तो मैं आपको यही टिप देना चाहूँगा कि ऑलवेज सर्च फॉर लाइन्स नॉट फॉर कर्व्स। मतलब कि अगर आप कोई फेस ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कहीं एक जहाँ से आपको ड्राइंग करना स्टार्ट करना है, अगर वहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ी स्ट्रेट लाइन शार्प एज दिख रही है तो आप वहाँ से वो ड्राइंग स्टार्ट कीजिए। बिकॉज आप एक लाइन का एंगल मेजर करना बहुत ईजी है इन कंपैरिजन ऑफ एक कर्व का मेजर करना। तो अगर आप लाइंस को एक्यूरेटली ड्रॉ कर पा रहे हैं तो आप पूरा फेस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑलवेज गो फॉर लाइंस इंस्टेड ऑफ कर्व्स, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। आप लोग को पता नहीं उतना हेल्पफुल या लगे या नहीं लगे, बट मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इससे। मैं कभी भी फेस ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि कहाँ पे मुझे लाइंस दिख रही हैं, जहाँ जहाँ लाइंस दिखेंगी मैं वहीं उनको अपने पॉइंट्स बना लेता हूँ। लाइक मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है, ये लाइन ड्रॉ करनी है, इसके बाद ये लाइन ड्रॉ करनी है, एंड सो ऑन। एंड अगर कुछ फेस ऐसे आ रहे हैं लाइक बहुत चबी सा फेस है जिसमें एकदम ही कर्व्स है, आपको लाइंस नहीं मिल पा रही है, तो आप उसमें एक और चीज़ कर सकते हैं। अगर आप एक किसी कर्व को कंसिडर करेंगे और उसको ब्रेक करेंगे तो वो कर्व भी छोटी छोटी लाइन सेगमेंट से मिलके बना होगा, लाइक नॉट एग्जैक्टली द लाइन सेगमेंट बट लाइन से मिलके बना होगा जिनका एंगल आप मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है वो एक कर्व है, बट आप नोटिस करेंगे कि मैंने उसको लाइन्स में ब्रेक किया है। सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट गाइज। लाइक अगर आपको एक बड़ा सा कर्व मिल रहा है जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे ड्रॉ करना है, तो उसको थोड़ा अच्छे से नोटिस कीजिए, आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें भी सर्टन लाइन्स है, मैं इसको लाइन्स में ब्रेक कर सकता हूँ एंड ड्रॉ कर सकता हूँ। तो और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है गाइस, बस यहाँ पे भी मैंने टाइमलेस वीडियो बनाया है बट इसमें मैंने स्पीड बहुत कम कर दी है। मुझे ये पूरी ड्राइंग करने में ऑलमोस्ट आउटलाइन करने में, नॉट दी कलरिंग पार्ट करने में, आउटलाइन करने में मुझे ऑलमोस्ट 25 to 30 minutes लगा था। तो मैं पूरा वीडियो नहीं बना सकता उतना, और एंड लाइक 30 minutes का वॉइस ओवर भी नहीं देख पाता उतने सारे मेरे पास कंटेंट नहीं है कि मैं 30 minutes तक बोल सकूँ। तो जस्ट ये मैंने एक टाइम लैप्स वीडियो बना दिया, इसमें मैंने स्पीड काफ़ी कम रखी है ताकि आप लोग कुछ समझ में आ सके कि कितना स्लोली मैंने इसमें ड्रॉ किया है। तो ये तो जितनी इसकी स्पीड है इससे डबल टाइम मुझे एक्चुअल में शायद लगा होगा ड्रॉ करने में।
नेक्स्ट टिप ये है कि गाइज मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यूज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ रेफरेंस फोटो। मतलब अगर आप फ्री हैंड ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आपके पास इनिशियल स्टेज पे एक अच्छा रेफरेंस फोटो होना चाहिए, बिकॉज एक अच्छा रेफरेंस फोटो होगा तो आपके पास डिटेलिंग जो एक फेस में वो आप ईजिली समझ पाएंगे, कर्व्स एंड लाइन जो मैं आपको बता रहा था वो आपको ईजिली समझ में आएगा। तो एक अच्छा गुड क्वालिटी का रेफरेंस फोटो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है फ्री हैंड ड्रॉ करने में, तो गो फॉर अ गुड क्वालिटी रेफरेंस फोटो। इसके अलावा एक और टिप जो मैं आपको दे सकता हूँ वो है लाइक आप जैसे न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं, लाइक न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं तो उसमें जो आपको फ़ोटोज़ दिखती हैं उसमें आप किसी भी फेस के ऊपर आउटलाइन जो उनका फेस होता है उनकी जो आउटलाइंस होती है उनके ऊपर पेन से मार्क करना स्टार्ट कीजिए। लाइक उसको स्टार्ट कीजिए कर्व्स में ब्रेक करना, स्ट्रेट लाइंस में ब्रेक करना, तो आपको आपके हाथ में अपने आप वो जमने लगेगा कि हाँ ऐसा फॉलो होता है, ये कर्व तो ऐसा ही जाता है, वो आपका माइंड इसको अपने आप अपने अंदर स्टोर करने लगेगा। तो जब आप रियल टाइम में फिर कभी ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ इससे मुझे फ़ायदा हुआ, बिकॉज मैं लाइक मैं एवरीडे ड्रॉ नहीं कर पाता हूँ, तो कभी मैं ऑफिस में या न्यूज़पेपर कभी पढ़ता हूँ तो मैं उस पर आउटलाइंस करता था पहले भी, तो उसके कारण मुझे शायद फ़ायदा हुआ होगा ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा आप फेस की आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद हम आते हैं फेस के अंदर के फीचर्स पे, लाइक आइज़ ड्रॉ करना, नोज़ ड्रॉ करना। तो सबको यहीं पे सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है कि आइज़ और एक आइज़ से दूसरे आइज़ का डिफरेंस डिस्टेंस क्या रहेगा, फिर नोज़ में कितना होगा, फिर देन लिप्स में। इसके ऊपर बहुत सारी ट्यूटोरियल वीडियो हैं कि एक एवरेज ह्यूमन फेस का ये होता है, बट यहाँ पे हम एक नॉर्मल फेस की ड्रॉ की करने की बात नहीं कर रहे, एक रियल लाइफ पर्सन की ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं जो नॉर्मल से अलग भी हो सकता है या नॉर्मल भी हो सकता है। तो उसके लिए भी एक लाइक आई हैव टिप जो आप शायद फॉलो कर सकते हैं, एक फेस के अंदर हर फेस के अंदर एक डार्क पार्ट शेडो होती है, एक लाइट टोन होती है और एक मिड टोन होती है। तो जहाँ आप ये डार्क टोन और एंड मिड टोन या लाइट टोन का जो बीच का यहाँ से ज्वाइन होती है, एक डार्क टोन ख़त्म होने के बाद मिड टोन स्टार्ट होगा या एकदम से लाइट टोन स्टार्ट होगा, तो एक लाइन आएगी जहाँ पे डार्क और लाइट टोन मिलती है, आप उसको एज अ रेफरेंस लाइन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस वीडियो का अगर आप तक लास्ट तक देखेंगे तो मैंने यूज़ किया है, मैंने अंदर की जो जहाँ पे मुझे डार्क टोन ड्रॉ करना है मैंने वहाँ पे आउटलाइंस बना ली है, जहाँ पे मुझे लाइट छोड़नी है मैंने वो पोर्शन को छोड़ दिया है। इससे मुझे क्या फ़ायदा होता है, मुझे डिस्टेंस का अंदाज़ा हो जाता है, लाइक मुझे पता है कि लाइक मैं एक रेफरेंस फ़ोटो को देख रहा हूँ, वहाँ से अगर मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि आइस के नीचे से इतना पोर्शन डार्क है इसके बाद लाइट है, तो मुझे एक अंदाज़ा मिलेगा कि आइस एंड नोज़ के बीच का डिफरेंस क्या है। तो वैसे ही मैं हमेशा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ कि अगर जहाँ जहाँ मुझे डार्क टोन एंड लाइट टोन दिख रही है मैं उनको मार्क करना स्टार्ट कर देता हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको लाइक फेस के अंदर आपके पास कोई गाइडिंग पैरामीटर नहीं है, आपको अपनी आइज़ से ही ऑब्जर्व करना है आइज़ के और नोज़ के बीच का डिस्टेंस, तो आप नॉर्मली भी करना कर सकते हैं बट हर बार इतना एक्यूरेट आप ड्रॉ कर पाएँ ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप ये इसको फॉलो कर सकते हैं कि आप जहाँ पे भी डार्क शेडो आ रही हैं लाइट शेडो आ रही हैं आप उनको अगर आप उनको आउटलाइन कर पा रहे हैं तो बहुत ही हेल्पफुल है। एंड इसका दूसरा फ़ायदा ये अगर आप शेडो को आउटलाइन करें तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो आप मार्क कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ऐसा करना है तो आप ये इसको ट्राई करके देख सकते हैं। सो गाइस यही कुछ टिप्स थी मेरे पास, इसके अलावा तो ऐसा मैं कुछ टिप्स है नहीं जो मैं आपको फ्री हैंड के ऊपर दे सकता हूँ। एक सबसे बड़ी टिप यही है कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ड्रॉ कीजिए, बिकॉज ड्राइंग करने से ही इंप्रूवमेंट आती है। आप कितना भी वीडियो यूट्यूब पर देख लेंगे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, बिकॉज मैंने ये बहुत बार ट्राई करके देख लिया, मैंने 100-100 वीडियोज़ देखी होंगी कि कैसे ड्रॉ करना है कैसे ड्रॉ करना है, बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। हाँ यह है कि आपको कुछ मेथड्स मिल जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिल जाएगी हाँ जो आप फॉलो कर सकते हैं, बट उसके लिए भी उनको आपको प्रैक्टिस मिलाने के लिए आपको ड्रॉ ही करना पड़ेगा। तो बिना कुछ सोचे बिना कुछ डरे बस ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। हाँ एक और टिप मैं आपको जो दे सकता हूँ वो है कि ऑलवेज रेडी फॉर मेक करेक्शन। मतलब आपने एक बार फेस ड्रॉ कर लिया है उसके बाद आप उसको कलर करना या शेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है यार लगता है कि यहाँ मैंने कुछ गलतियाँ की, तो उसको तुरंत उसी टाइम पे करेक्ट कर दीजिए। जितने ज़्यादा करेक्शंस आप करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी ड्राइंग्स में इम्प्रूवमेंट आते जाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेट होती जाएगी उतनी ज़्यादा आपकी ड्राइंग। तो ऑलवेज रेडी फॉर द करेक्शन, आप उसको डिले मत कीजिए। आपको लगेगा मुझे पता है ऐसा होता है हमारे साथ कि हमको पता है कि गलती हम लोग कर रहे हैं बट अपन उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ बट मैं भी करता हूँ, बोर हो जाते हैं हम एक ड्राइंग से, ऐसा नॉर्मल है किसी के साथ भी हो सकता है, बट कोशिश करें कि आप उसको
करेक्ट कर दें, वरना आपको पूरा एक बार कलर करने के बाद, एक बार शेडिंग करने के बाद फिर वो डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलता तो अच्छा नहीं लगता। उससे पहले कि आप इनिशियल स्टेज में जब आप आउटलाइन कर रहे हैं उसी टाइम पे बहुत सारे करेक्शन करते चाहिए। जितने ज़्यादा आपको करेक्शन लगता है, आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे आपको लगता है हल्की सी भी गलती, तो उसको करेक्ट करने की कोशिश कर दीजिए उसी टाइम पे इनिशियल लेआउट में, बिकॉज उसके बाद करेक्ट करने में ज़्यादा दिक्कत है, उससे अच्छा पहले ही करेक्ट कर लें। सो बस गाइस यही था मेरे पास इस वीडियो में बोलने के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, या कुछ भी आपको इससे बेनिफिट मिला हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हैप्पी होली गाइस, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।